हे दोस्तों, आपने सुना होगा कि स्मार्टफोन से निकलने वाली रेडिएशन बहुत खतरनाक होती है। ये इतना खतरनाक होती है कि इससे इंसानों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती है। तो क्या सचमुच में रेडिएशन इतना खतरनाक होती है? आज की इस वीडियो में इसी रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रेडिएशन किसे कहते हैं। तो जब कोई इनर्जी एक जगह से दूसरे जगह तक वेव के फॉर्म में जाती है तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं। हमारे स्मार्टफोन में जो भी फीचर्स हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, कॉलिंग या फिर इंटरनेट का, तो जब भी हम इन सभी फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फ़ोन से रेडिएशन निकलता है, तब जाकर ये सब काम पूरा हो पाता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये सभी काम करने पर हमारे फ़ोन से ये रेडिएशन जो निकलता है ये कितना खतरनाक होता है, अगर होता है तो हम लोग इसे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, फिजिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने पर जो वाइब्रेशन होता है उसे रेडिएशन या तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई प्रकार के होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइट। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है, पहला नॉन आयोनाइजिंग वेव्स और दूसरा आयोनाइजिंग वेव्स। सबसे पहले बात करते हैं नॉन आयोनाइजिंग वेव्स के बारे में। तो नॉन आयोनाइजिंग वेव्स वैसे वेव्स या वैसे रेडिएशन को कहते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज़ एक सेकेंड में कितनी बार होती है, और वेवलेंथ का मतलब वेव के क्रेस्ट का बीच का जो लेंथ है उसी को वेवलेंथ बोलते हैं। आयोनाइजिंग का मतलब होता है वैसे वेव्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने पर या फिर उसके अंदर से गुजर जाने पर एटम्स और आयन्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसी को नॉन आयोनाइजिंग बोलेंगे। और दोस्तों, हमारे मोबाइल टावर और मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है वो नॉन आयोनाइजिंग होता है, यानी कि एक खतरनाक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, रेडिएशन तो रेडिएशन होता है। अगर मैं आपको तेज धूप में 2 घंटों तक बैठने के लिए बोल दूं तो क्या आप बैठ पाओगे? क्यों, बैठना तो चाहिए ना, धूप तो खतरनाक नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप कोई ऐसा फ़ोन यूज़ करते हैं जिससे ज़्यादा रेडिएशन निकलता हो, या तो फिर आप कोई ऐसे टावर के पास रहते हैं जिससे ज़्यादा रेडिएशन निकलता हो सकता है आपको ये नुकसान करे, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सभी मोबाइल टावर और सभी मोबाइल कंपनियों ने एक फिक्स रेडिएशन वैल्यू को अपनाया है। मतलब कि दुनिया का कोई भी मोबाइल टावर या मोबाइल हो, उससे इस वैल्यू तक का ही रेडिएशन निकल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं निकल सकता है। और ये वैल्यू हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन से निकलने वाले रेडिएशन से बचना भी चाहते हैं और अपना फ़ोन यूज़ भी करना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, फ़ोन को कान से लगाकर लंबी बातें ना करें, हो सके तो गुड क्वालिटी ईयरफोन्स हेडफोन का यूज़ करें। रूल नंबर 2, रात को सोने टाइम फ़ोन को अपने तकिए के पास ना रखें, अगर रखना चाहते हैं तो एरोप्लेन मोड ऑन करके रखें। रूल नंबर 3, कुछ फीचर्स जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डाटा को ज़रूरत पड़ने पर ही ऑन करें, वरना ऑफ ही रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।